पेंशन बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान द्वारा संचालित हस्ताक्षर अभियान फेडरेशन की सूरतगढ़ महिला विंग अध्यक्ष संजय कुमारी सहान व प्रदेश सचिव संदीप दुगेसर के संयुक्त नेतृत्व में शहर के शिवाड़ी क्षेत्र के सीनियर स्कूल नंबर 4 से प्रारंभ हुआ। संगठन के वरिष्ठ साथी विशाल डोडा के हस्ताक्षर अभियान पर बोलते हुए कहा है कि राज्य में पुरानी पेंशन बहाली के बाद केंद्र सरकार कर्मचारियों की पेंशन को पाप बोझा बता रहा है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों राजस्थान के कर्मचारियों के स्वयं का जमा 41,000 करोड़ रुपये लौटाने में आनाकानी कर रही है। इससे पीड़ित कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। महिला विंग अध्यक्ष संजय कुमारी सहान ने बताया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित यह हस्ताक्षर मांग पत्र इन्हीं रुपयों को लौटाने, पेंशन से वंचित अर्ध सैनिक बलों सहित देश के तमाम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का अनुरोध करता है। स्वयं हस्ताक्षर अनुरोध को समर्पित इस हस्ताक्षर अभियान ने शहर क्षेत्र के सरकारी स्कूल स्वामी विवेकानंद मंडल स्कूल, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय राठी, शहीद गुरु शरण छाबड़ा पुरानी आबादी स्कूल, बालिका विद्यालय टिब्बा कॉलोनी स्थित बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में जोर पकड़ा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र निर्वाणा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मदन लाल गुदारा, वहीं मानेवाला के पंचायत में सुखदेव सिंह घमंडिया के मदन लाल, सरदारगढ़ में राजकुमार मील व जानकी दासवाला में देवाशीष शर्मा के नेतृत्व में प्रयास अभियान का शानदार आगाज हुआ। गौरतलब है कि NPSCIF के तत्वावधान में राज्य के सक्रिय विभिन्न संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से गठित पेंशन बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान द्वारा FPFRDA में उलझे राज्य कर्मचारियों के लगभग 41,000 करोड़ के आधिकारिक धनराशि वापसी हेतु संघन हस्ताक्षर अभियान ब्लॉक सूरतगढ़ में जोर शोर से जारी है। सिग्नेचर के कम